श्रीमती दर्शना जी। हाँ जी सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद अध्यक्ष के तौर पर 15वीं 16वीं और 17वीं तीनों लोकसभा के दरमियान मेरा विषय एक ही रहा है। सूरत इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ एशिया और सबसे ज्यादा जो विश्वास की बात होती है कि ये बार की जनता ने सबसे ज्यादा वोट, जैसे हर चार व्यक्ति में से तीन व्यक्ति ने बीजेपी को वोट किया है। 100 में से 75% वोट जब बीजेपी को यहां मिला है तो विश्वास तो लोगों ने बहुत किया है। और जो रिजल्ट ओरिएंटेड 2009 से 14 के दरमियान जो जवाब हमें मिलता था सर रूट इज नॉट प्रॉफिटेबल, और 14 के बाद में जो उसका परिणाम आया तो सूरत एयरपोर्ट का ग्रोथ लास्ट दो सालों में 250% से ज्यादा हुआ है। और जहां एक कनेक्टिविटी थी 78 सीट की एक फ्लाइट के बदले में आज 52 ऑपरेशन सूरत से हो रहा है। तो ये काम करने वाली सरकार और नरेंद्र भाई माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से जो ये सूरत को ग्रोथ की गति मिली है, उसमें जब चुनाव आया तब हमें इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी मिल गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जो पहली बार शारजाह फ्लाइट दी, लेकिन जो ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए हमें दूसरी एयरलाइन पकड़नी है तो एयर इंडिया को दुबई से अगर कनेक्ट किया जाए जहां पे जेट के कई सारे स्लॉट खाली है तो मुझे लगता है कि ये सूरत को लाभ मिलेगा। उससे ज्यादा एक ही एग्जाम्पल मैं दूंगी कि पूरे इंडिया में एक ही शहर ने 3 करोड़ डिपॉजिट करके 118 सीट की गारंटी अगर दी है जिसमें से 4.5 आज अपने मुझे सुबह में चांस दे दिया होता तो मैं इसकी भी बात कर लेती एविएशन मिनिस्टर के साथ में कि 118 सीट 4.5 हजार में मिलती है और उसके बाद में कमर्शियल प्राइस उसकी चालू होती है। तो प्राइवेट एयरलाइंस जो 95% शेयर जो है और शहरों की कनेक्टिविटी के लिए कवर कर रहे हैं तो उसमें पुनः जयपुर हैदराबाद कलकत्ता और भी शहरों से अगर एयर इंडिया की फ्लाइट हमें मिल जाए तो मुझे लगता है कि सूरत का ग्रोथ और अच्छा होगा।